पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और देख चुके हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है एंड व्हाट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या उसका क्लासिफिकेशन है। तो आज हम लोग मेमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मेमेलिया जो हाइयर, सबसे जो हाइयर बॉडी ब्रेट है दैट इज मेमेलिया, ठीक है, सबसे हाइयर और मोर डेवलप्ड, सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे ज्यादा हाइयर बॉडी ब्रेट है क्लास मेमेलिया। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि इसका क्या क्लासिफिकेशन है। तो चलो देखते हैं मेमेलिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ना। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लास मेमेलिया का कि प्रेजेंस ऑफ हेयर होता है। इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जाने से पहले ये देख लेते हैं कि जो मेमेलिया का जो ओरिजिन है वो कब हुआ, ठीक है। तो इस मेमेलिया का जो ओरिजिन है वो सीनोजोइक एरा के दौरान हुआ, सीनोजोइक एरा में मेमल डेवलप हुआ है, ओरिजिन ऑफ मेमल जो हुआ है सीनोजोइक एरा के दौरान हुआ। तो सो सीनोजोइक एरा इज कॉल्ड अ गोल्डन एज ऑफ मेमल्स। इस तरह इसी तरह वहां पे हम लोग जुरासिक पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मेमल्स कहते थे और मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड को कहते थे रेप्टाइल्स में। तो यहां पे जो ये क्लास मेमेलिया है इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा, सो सीनोजोइक एरा इज कॉल्ड अ गोल्डन एज ऑफ मेमल्स। तो यह सीनोजोइक एरा के दौरान इसकी ओरिजिन हुई, इसलिए सीनोजोइक और इसी दौरान ये फ्लोरिस भी किया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे, तो इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ मेमल्स कहते हैं। तो मेमल्स की जो ओरिजिन हुई है वो स्ट्रोक ऑफ रेप्टिलियन से हुई है, स्ट्रोक ऑफ रेप्टिलियन यानी कि बहुत सारे रेप्टिलिया है उसमें से कोई एक रेप्टिलिया में इस तरह का क्लासिफिकेशन हुआ, इस तरह का मॉडिफिकेशन हुआ कि वो धीरे धीरे मेमल्स में कन्वर्ट होता गया, ठीक है। तो इसलिए यह मेमल्स जो ओरिजिन हुआ है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्ट्रोक ऑफ रेप्टिलियन, स्ट्रोक ऑफ रेप्टिलियन से ही ओरिजिनेटेड हुआ है। नेक्स्ट आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मेमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो मेमल्स के कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है मेमल्स में, प्रेजेंस ऑफ हेयर होता है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, नेक विद 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, पिंगा प्रेजेंट होता है, पिंगा मींस एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल ईयर है दैट इज पिंगा। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्लास मेमेलिया का दीज आर द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ हेयर, प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड नेक विद 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड पिन्ना प्रेजेंट, दैट इज एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। तो प्रेजेंस ऑफ हेयर, हेयर प्रेजेंट होता है, जितने भी मेमल्स ने देखा होगा हेयर प्रेजेंट। इससे पहले कहीं देखे हेयर के बारे में कुछ पढ़े, हेयर के बारे में नहीं पढ़े, इससे पहले कोई हेयर प्रेजेंस नहीं था, अब यहाँ से जो है हेयर का प्रेजेंस होना स्टार्ट हुआ। तो हेयर प्रेजेंस होता है स्वेट ग्लैंड यानी कि जिसे पसीना निकलता है उसको स्वेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, नेक जो है वो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ प्रेजेंट होता है और पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे सिर्फ एप्स को छोड़ करके बाकी जितने भी हम लोग हमने क्लास पढ़ा वो सारे क्लास कैसे थे, क्वाकिलोथर्मिक वर्टिब्रेट थे। सिर्फ एप्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वो होमियोथर्मिक है, वार्म ब्लडेड है, तो उसी तरह मेमल्स भी जो है वो वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मिक है, होमियोथर्मिक वर्टिब्रेट, ये वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मिक वर्टिब्रेट है। तो मेमल्स में जो है टू लिम्स प्रेजेंट होगा, टू लिम्स प्रेजेंट होगा एंड दिस लिम्स आर एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, इटीसी के लिए। जैसे कि जो टू लिम्स होगा इसमें तो वो किसके लिए होगा, चलने के लिए या फिर क्लाइंबिंग के लिए, जैसे कि
है, तो उसमें जो है फ्लिपर होता है स्विमिंग के लिए, ठीक है, तो उसका वो जो वहाँ जो है स्विमिंग में हेल्प किया। उसके बाद और जो जैसे कि हम लोग जो हायर मैमलिया में आते हैं तो हम लोग के पास दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, तो इसके लिए ये लिम्स है। तो दिस टू लिम्स प्रेजेंट इन क्लास मैमलिया एंड इट इज एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, flying, etc. तो जो टू limbs present होगा that are adapted for walking, running, climbing, swimming and flying के लिए होगा। Next इसके characteristics हैं कि sex separate होगा, यानी कि male जो organism होगा वो अलग होगा और female जो organism होगा वो अलग होगा। तो इसमें sex कैसा होगा? Separate होगा। Fertilization होगा इसमें internal। जितने भी मैमेलिया हैं उसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जाइगोट डेवलप इनसाइड द फीमेल। तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल हो गया। और इसमें इससे पहले हम लोग जो देखे थे कि ओविपेरस होता था, है ना, कभी एक्सेप्शन एक आध हो गया तो विविपेरस था, लेकिन ये ओविपेरस होता था, लेकिन हम लोग यहाँ क्लास मैमेलिया में देखेंगे कि ये विविपेरस होता है। तो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर अ विविपेरस, it shows viviparity, but here few oviparous also, यहाँ ये viviparity show करता है, viviparous है, लेकिन कुछ exception है जो कि oviparous ही भी है। तो mammals में भी कुछ organism है जो कि oviparous है, अंडा देती है, young one को directly ना birth दे करके वो egg lay करती है। तो these are the characteristics of mammals. सबसे पहला, इट्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा एंड फ्लोरिश ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस एरा। सो दिस एरा यानी सीनोजोइक एरा इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मैमल्स एंड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ रेप्टिलियन। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। प्रेजेंस ऑफ हेयर, प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, नेक विद सेवन सर्विकल वर्टिब्रा, Pinna, that is external ear present, warm-blooded, homeothermic vertebrate, two limbs present होता है and it is adapted for walking, running, climbing, etc. Sex separate होता है, fertilization internal होता है and it shows viviparity, viviparous होता है, लेकिन कुछ इसमें exception है जो कि oviparous होता है। तो these are the characteristics of class mammalia, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग देखेंगे कि क्लास मैमेलिया का एग्जांपल के बारे में देखेंगे कि क्या-क्या एग्जांपल है इसका, है ना। तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है विविपेरिटी, ये विविपेरस शो करता है, लेकिन कुछ है जो ओविपेरस भी है। सबसे पहले ओविपेरस के बारे में जानना है, बिकॉज़ इट इज एक्सेप्शन, क्योंकि ये एक ही तो है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा आने का चांस है। ऑर्निथोरिंकस जिसको कहते हैं प्लेटीपस, ऑर्निथोरिंकस जिसको कहते हैं प्लेटीपस, यही एक है जो कि ओविपेरस मेमल्स है, यही एक मेमल्स है विच शोस ओविपेरिटी, ओविपेरस मेमल्स है ऑर्निथोरिंकस जिसका कॉमन नेम है प्लेटीपस। अब हम लोग देखेंगे जो विविपेरस में, इसके अलावा जितना भी मैमल्स है वो सब विविपेरस है। मैक्रोपस का नाम सुना है? कंगारू का नाम सुना है? सुने। उसी को कहते हैं मैक्रोपस, कंगारू कहते हैं। मकाका का नाम सुना है? मकाका, मंकी, ठीक है। कैमिलस, कैमिल, कैमिलस, कैमिल, डेल्फिनस, डॉल्फिन, इक्वस का नाम सुना है? क्या? इक्वस सुने था मैं।
होर्स नहीं सुना है होर्स का नाम इक्वस इक्वस कहते हैं होर्स को है ना होमो सेपियंस का नाम सुना है अगर ये नहीं सुना है तो तुम लोगों का जीना बेकार है ठीक है अगर नहीं सुना है तो तुम लोगों का जीना बेकार है फिर है ना तो होमो सेपियंस हो गया ह्यूमन बीइंग तो मैक्रोपस कंगारू मकाका मंकी कैमल कैमिलस कैमल डॉल्फिनस डॉल्फिन इक्वस होर्स और होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग और भी बहुत जितना भी मैमल्स है वो सब आ गया जितने भी मैमल्स हैं वो सब ओविपरेटिस हो करता है इसको छोड़ के और ओमिथोरिनकस को छोड़ के तो ये एक्सेप्शन है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स आर अ विविपेरस या सो विविपेरिटी तो ऑप्शन ए रह जाएगा कुछ इसमें से मकाका हो गया ऑप्शन बी हो गया इक्वस ऑप्शन सी हो गया ओमिथोरिनकस ऑप्शन डी हो गया ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस तो क्या होगा आंसर स्टार्ट करें तो क्लास मैमेलिया आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया के बारे में कि मैमेलिया का क्लासिफिकेशन क्या है इससे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलिया देख लिए और एग्जांपल भी हम लोग देख लिए कि विच आर मैमल्स विच एनिमल्स विच कम्स इन मैमल्स कौन सा एनिमल है जो मैमल्स में आता है ठीक है और हम लोग एक्सेप्शन भी देख लिए जो कि ओविपेरस है कौन सा एनिमल है जो ओविपेरिटी शो करता है अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स तो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले देखते हैं मैमल्स क्लासिफाई इनटू सी प्रोटोथीरिया एंड यूथीरिया प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया एंड यूथीरिया तो मैमल्स क्लासिफाई इनटू थ्री कैटेगरी प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया एंड यूथीरिया तो ये जो मैमल्स है अब उसके कैरेक्टर के बेसिस पे उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया और उसको अलग 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 प्रोटोथीरिया वाले एनिमल को इसमें रखा गया मेटाथीरिया को इसमें रखा गया यूथीरिया को इसमें रखा गया तो प्रोटोथीरिया प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप एनिमल्स ठीक है जो प्रिमिटिव टाइप एनिमल्स है उसको क्या किसमें रखे प्रोटोथीरिया में तो प्रोटोथीरिया में जितने भी एग लाइक मैमल्स जो एग लाइक मैमल्स है उसको रखा गया प्रोटोथीरिया में एग लाइक मैमल्स को रखा गया प्रोटोथीरिया में तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जाने कि जो एग लाइक मैमल्स है वो एक ही जो है वो कौन है प्लेटिपस तो प्लेटिपस है तो उसको इकिडना भी कहते हैं प्लेटिपस को इकिडना भी कहते हैं दूसरा हो गया टैकीग्लोसस तो दिस टू आर प्रोटोथीरिया विच लाइक एग तो ये इकिडना और टैकीग्लोसस ये दो एग्जांपल है जो कि प्रोटोथीरिया में आता है और ये एग लाइक आता है ठीक है ये प्रोटोथीरिया में आता है अब आते हैं मेटाथीरिया में तो मेटाथीरिया में आ गया कि जो इसमें ना मतलब एग लाइक करता है और ना ही फुल्ली मैच्योर्ड यंग वन को बर्थ देता है ठीक है तो इमैच्योर यंग वन को जो बर्थ देता है उसको रखा गया मेटाथीरिया में तो मेटाथीरिया में जो रखा गया इसमें रखा गया कंगारू को तो मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं मार्सुपियल मैमल्स इसको रखा गया कंगारू को तो कंगारू को देखा होगा तो उसका फुल्ली यंग वन बर्थ जो यंग वन नहीं होता वो इमेच्योर होता है इमेच्योर बर्थ लेता है उसके बाद उसमें उसके स्टमक के पास एक पाउच होता है उस पाउच में अपने यंग वन को जो इमेच्योर यंग वन है उसको रखता है और जब तक कि वो मेच्योर ना हो जाए जब मेच्योर हो जाता है उसके बाद वो बाहर हो जाता है तो उसके बाद अपना वो नॉर्मल चलता फिरता रहता है तो ये हो गया मेटाथीरिया तो मेटाथीरिया में मार्सुपियल मैमल्स आया कंगारू आया नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूथीरिया के बारे में तो यू हो गया ट्रू मैमल्स जो हुआ वो आया यूथीरिया ट्रू मैमल्स आया वो आया यूथीरिया में तो ट्रू मैमल्स इसमें जितने भी मतलब जो भी अब इन लोगों को छुड़ा करके जो भी हाइयर हो गए जिसमें कि बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो मैच्योर यंग वन को दे सके और एक अच्छा लाइफ लीड कर सके तो वो ये सब आ गया यूथीरिया में तो यूथीरिया जो है वो 22 ऑर्डर में डिवाइड होता है 22 ऑर्डर में डिवाइड होता है ठीक है अभी पहले हम लोग इसका टू में डिवाइड करते हैं प्राइमेट्स
वाले, ये तो सुना होगा टॉम पहली बार, ये पहली बार सुन रहा है, ये तो पहली बार सुना होगा। तो यूथेरिया डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स जो कहेंगे जिसमें कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो हो गया प्राइमेट्स, यानी कि मैन, एप और मंकी, ये हो गया प्राइमेट्स में। और जिसमें स्ट्रेस साइकिल होगा वो हो गया नॉन प्राइमेट्स, जो एनिमल्स हो गए जैसे काउ हो गया, डॉग हो गया, तो जो भी ये नॉन प्राइमेट्स हो गए उसमें वो एनिमल्स आ गए। तो प्राइमेट्स होगा जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो प्राइमेट, जिसमें नहीं होगा यानी कि उसके बदले एस्ट्रस साइकिल होगा तो वो हो गया नॉन प्राइमेट्स। तो इसमें जो होगा वो मैन, एप और मंकी आएगा, मैन, एप और मंकी आएगा। तो ये सबको छुड़ा करके बाकी और जो जो भी एनिमल्स होंगे वो यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये भी प्राइमेट्स में डिवाइड होता है एंथ्रोपॉयडी और प्रोमी में, ठीक है? तो इतना तुम लोग जानो, यहाँ तक कोई